अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। मैं हूं आपका होस्ट हारून बुखारी और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो बहुत ही डिमांड में इसलिए है क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी पाकिस्तान से 500,000 लोग पाकिस्तान छोड़ के डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं। उसमें यूएई भी एक ऐसी कंट्री है जिसमें लोग आ रहे हैं और रहना चाह रहे हैं, परमानेंटली शिफ्ट होना चाह रहे हैं ताकि वो इजीली बहुत सारी चीज़ें कर सकें। पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है बिजली का प्रॉब्लम है, फिर फ्यूल इतना महंगा हो चुका हुआ है, इनके हिसाब का पैसे आप जनरेटर भी लगाते हैं तब भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो जॉब पेशा हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे यूट्यूबर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए। यूएई उनके लिए ऐसा एक स्पॉट है जहाँ से वो इजीली हर कंट्री में, यहाँ से हर कंट्री में मूव हो सकते हैं। यूरोप जाना आसान है, अमेरिका जाना आसान है, कनाडा जाना आसान है। इसके अलावा ये फॉर एग्जांपल आपकी कोई कोलैबोरेशन है इंडिया के साथ, उसकी शूट्स भी जो दुबई में यूएई में, आजकल तो खैर कम है काम, लेकिन पास में जैसे देखा गया कि यूएई बेस होता था और दोनों एक्टर्स ज़्यादातर पाकिस्तान से और इंडिया से यूएई में आके प्रोजेक्ट्स करते थे। इसके अलावा बहुत सारे रिसेंट यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में जो हालात हैं उसकी वजह से तंग आकर वो यूएई में शिफ्ट हो चुके हैं, परमानेंटली यहीं से काम कर रहे हैं, यहीं पर स्टूडियो शिफ्ट किया है, एंटायर जो उनकी फ्लीट है। इसके अलावा बहुत सारे एंकर्स हैं टीवी से जो रिलेटेड हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ यूएई में शिफ्ट हो चुके हैं, दुबई में स्पेशली। तो आपको हालात तो पता है पाकिस्तान के, मुझे उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या प्रॉब्लम है बिजली का, फ्यूल का और 10,000 चीज़ें जो हैं उसमें, मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, सब आपको पता है। अब मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ दोस्त मेरे ये चाह रहे थे कि जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उनको थोड़ा गाइड किया जाए, उनको बताया जाए अगर वो जॉब के लिए आ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसेस से रिलेटेड थोड़ा कंट्री के बारे में बता दिया जाए। पहले भी मैंने वीडियो बनाई लेकिन वो डिटेल वीडियो नहीं थी, तो ये मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना लेते हैं। कोशिश करूँगा छोटी रखूँ वीडियो, लेकिन जब बात करने जाते हैं तो फिर लंबी वीडियो होने का मकसद यही होता है कि आपको प्रॉपर डिटेल में समझाया जाए। तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपको फ़ायदा हो और भी लोगों तक शेयर कीजिए जो यूएई आना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने माइंड को सेट करना है, माइंड को ट्यून करना है कि जिस तरह की लाइफ आप पाकिस्तान में जी रहे हैं, अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपके कपड़े धुल जाते हैं, आपके खाना पक जाता है और 10 चीज़ें हो जाती हैं, आप सिर्फ काम पे जाते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं और सो जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने माइंड को ट्यून करना पड़ेगा। अगर तो आप बहुत सारे काम करते हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में, फैमिली की हेल्प करते हैं, घर के कामों में हेल्प करते हैं, फिर तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ के कल्चर में, यहाँ पे रहने में और यहाँ में एडजस्ट होने में। लेकिन अगर तो आप इतने काम करने के आदी नहीं है, सिर्फ काम पे जाते हैं, काम पे जाके घर पे आते हैं, खाना पका मिलता है, कपड़े धुले हुए मिलते हैं, आयरन मिलते हैं, तो फिर होगी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम। इसलिए मैं आपको अपने आप को ट्यून करने का वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। ट्यून आपको क्यों करना पड़ेगा जी, अगर तो आप अभी हम उस बंदे के नज़रिए से बात करेंगे, परस्पेक्ट से बात करेंगे जो यहाँ पे जॉब ढूंढ रहा है, जिसके पास इतने पैसे नहीं है, जिसके पास बाप दादा के पास इतनी जायदादें नहीं है तो वो यहाँ पे आ रहा है। जिसके बाप दादा के पास जायदादें हैं वो इधर नहीं आते, वो कनाडा अमेरिका जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, या यूरोप जाते हैं। आजकल यूरोप के भी हालात उस तरह से बेहतर नहीं, लेकिन स्टिल जिस कंट्री से आप जा रहे हैं आप वहाँ पे जब जाते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें बेहतर मिलती हैं। तो हम उस परस्पेक्ट से बात करेंगे, उन लोगों के परस्पेक्ट से बात करेंगे जिन लोगों का शौक नहीं है लेकिन उन्हें बाहर आने का बहुत शौक है और उन्हें लगता है कि बाहर जब चले जाएंगे, यूएई में जब चले जाएंगे तो हमारी तो वारे न्यारे हो जाएंगे, अयाशियाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी ये सोच है तो इस सोच को ज़रा चेंज कर लीजिए। चेंज इसलिए कर लीजिए क्योंकि जब यहाँ पर आपके आते हैं, जब जहाँ पर आप जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आपको अपने आप को स्टेबल करना है, आपको शादी करनी है, अपने घर वालों के खर्चे उठाने हैं, अपने बहन है घर में उसकी शादी करनी है, भाई है घर में उसको हेल्प करनी है पढ़ने में, तो फिर आप अय्याशियों में नहीं पढ़ सकते। अय्याशियाँ क्या है? अय्याशियाँ में ये नहीं बोल रहा कि क्लबों में जाना है, इधर उधर घूमना फिरना, हर वक्त बाहर दोस्तों के साथ घूमना या गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमना, उसकी बात नहीं कर रहा। अय्याशी मैं उस चीज़ को यहाँ पर कहता हूँ कि आपने बाहर से खाना खाना हर वक्त, ठीक है, अगर तो आपको पकाना नहीं आता तो एक्सेप्टेबल चीज़ है, आप बाहर से खाना खा सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई जिसमें मैंने आपको बताया $1,000 में आप एक महीने में किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खाना पकाना आता है और आप फूडी हैं और आपको घर का खाना चाहिए तो फिर आपको घर में पकाना पड़ेगा और उसके लिए जाहिर सी बात है एफर्ट लगती है, गर्मी में खड़ा होना पड़ता है। काफ़ी अपार्टमेंट्स में आपको एसी वाले किचन मिलेंगे लेकिन जाहिर है जब चूल्हे के सामने खड़े हो पसीना तो निकलता है, ये तो होगी खाने की बात। उसके अलावा क्या करेंगे आप? उसके अलावा सबसे पहले रहने का मसला, अगर तो जाहिर सी बात है आपके पास लिमिटेड बजट है तो आपको बेड स्पेस में जाना पड़ेगा या फिर आपको दूर दराज इलाकों में रहना पड़ेगा जहाँ पे आपको सस्ती अकोमोडेशन मिले। अब अगर फॉर एग्जांपल आप दूर दराज इलाके में नहीं रह सकते तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी, या आप स्टार्ट में जब तक जॉब नहीं मिलती आप किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं तब भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल शारजा में कहीं अंदर करके रह रहे हैं दुबई में आपका इंटरव्यू, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम होगी,
और ट्रांसपोर्टेशन पे आपके टैक्सी पे बहुत पैसे लगेंगे। तो लेकिन अगर आप कहीं दुबई में बेड स्पेस पे या पार्टीशन में रहते हैं, जो कि पार्टीशन दुबई में भी सस्ती नहीं है बता दूँ, बेड स्पेस है सस्ती। बेड स्पेस पे अगर हम बात कर लें तो बेड स्पेस आपको अगर इकोनॉमिकल चाहिए, अगर आपको 600-700 दिरहम के अंदर चाहिए, तो आपको 6 से 7-8 बंदों तक में रूम शेयर करना पड़ेगा। अब जब आप रूम शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ खुद नहीं होते, आपको आपके साथ और भी 5-6 जो लोग रह रहे होते हैं आपको उनको भी बर्दाश्त करना पड़ता है, उनकी हरकतों को बर्दाश्त करना पड़ता है, या फिर आपकी जो हरकतें होती हैं उनको उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। और ट्रस्ट मी मैंने अपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस से बताऊँ, बेड स्पेस में रहना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए कहूँगा कि अगर आप अपने से ताल्लुक़ रखते हैं, आके सो जाते हैं, काम पे चले जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है आपको छुट्टी भी मिलती है, आप घर में होते हैं, आप एलियन बन के तो नहीं रह सकते, जाहिर सी बात है आपकी हेलो आई होगी, गप्पे लगेंगी, बातचीत चलेगी, कुछ अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे, कुछ के साथ नहीं बनेगी। और लेकिन मकसद आपको बताने का ये है कि देखिए जब आप इतने लोगों में रहते हैं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आए दिन आपके किसी के साथ मुँहमारी हो और लड़ाई हो, क्योंकि बेड स्पेस भी चेंज करना ईजी नहीं होता, सामान उठा के ले जाना, रातों रात चले जाना या किसी वजह से चेंज करना, तो वो काफ़ी हेक्टिक होता है। और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है और यहाँ पर जो वेदर है उसके हिसाब से ऑफ कोर्स जब आपके पास लिमिटेड बजट है, मूविंग कॉस्ट भी रहती है उसमें, एनीवेज वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन स्टिल प्रॉब्लम तो होता है। तो मेरा एडवाइस आपको यही है रिगार्डिंग आपके रहने से कि अगर आप इकोनॉमिकल ढूंढ रहे हैं तो लोगों के साथ आपको मिंगल करना आना चाहिए, लोगों के साथ रहना आना चाहिए, लोगों की बहुत सारी बुरी चीज़ें बुरी आदत बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। 10-11 बजे तक लाइट ऑफ हो जाएगी, सबने सोना है, सुबह सबने जाना है, वॉशरूम तक यूज़ करने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, ऐसी बात है एक रूम है एक वॉशरूम है, तो आपको टाइमिंग सेट करनी पड़ती है कि इतने बजे मैं जाऊंगा, इतने बजे तुम चले जाना, या अगर बड़ा अपार्टमेंट है और वहाँ पे दूसरा अवेलेबल है तो इट्स अ सेपरेट केस। ये तो हो गई बेड स्पेस की बात, अब पार्टीशन पे आते हैं। पार्टीशन आपको फॉर एग्जांपल बेड स्पेस 600-700 की मिल रही है तो पार्टीशन मिनिमम आपको दुबई में 1000 से 1200-1500 तक की मिलेगी। 1000 में मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ, मैं 1200 से शुरू करूँ ज़्यादा बेहतर है, 1200 से 1500 फिर 2000 तक की मिलेगी। सिर्फ साइज़ का डिफरेंस होता है, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ, इस रूम के इजीली 3 पार्टीशन और वो पार्टीशन मिनिमम अगर कोई चढ़ाए दुबई में तो 1200 तक ही जाएगी, और अगर थोड़ी बड़ी पार्टीशन 2 पार्टीशन बनाऊँ तो ईजिली उसका 1800-2000 रेंट मांगा जाएगा, दिया भी जाता है। तो पार्टीशन में रहना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आप किसी के साथ नहीं रह सकते तो आपको यही मेरा मशवरा है कि छोटी पार्टीशन ले लें, 1200 तक की ले लें, लेकिन आप अलग रहें अगर आप मिंगल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी इधर उधर हो जाएंगी, कोई यूज़ कर लेगा बताए बगैर, कुछ चीज़ें मिसप्लेस हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हो जाती है, फिर बर्दाश्त करना पड़ता है आपको। उसके बाद आप चलते हैं नौकरी की तरफ, तो जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं सबसे पहले उनको बताऊंगा कि जितनी भी ऑनलाइन गूगल पे जाइए, जितने भी ऑनलाइन इनकी जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे गल्फ हो गया, जॉब टैलेंट हो गया, फिर इसके अलावा जॉब हंट हो गया, जितने भी यूएई की वेबसाइट्स हैं उस पर आप रजिस्टर करें अपने आपको। रजिस्टर करने के बाद अप्लाई वहीं से करना शुरू कर दें, यहाँ पे आप नहीं भी आए हैं तो ऑफकोर्स आपके पास नंबर नहीं होगा, मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे आप अप्लाई करें, ये मेरा ईमेल एड्रेस है और मैं यहाँ पे यूएई में जल्द ही आ रहा हूँ, ये मेरी ईमेल एड्रेस है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे ही मैं वहाँ पे आऊँगा मैं आपको अपडेटेड नंबर दे दूँगा और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपकी प्रोफाइल्स बनी होंगी, आपको ईजी रहेगा, टाइम ज़ाया नहीं होगा, डेली बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सुबह जल्दी उठना, 7 बजे तक अगर आप उठ जाते हैं और नाश्ता करके फारिग होकर 8 बजे आप सर्च करना शुरू करते हैं जॉब, और ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे तक आप ईमेल सेंड करना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होगा, जितनी भी ईमेल सारी रात में या सारे दिन में लोगों को आती हैं उससे ईमेल आपकी ऊपर रहेगी। अगर आप रात को 10 बजे ईमेल कर रहे हैं किसी को तो हो सकता है और भी बहुत से लोग ईमेल्स कर रहे हैं, आपकी ईमेल सुबह तक वो इतनी नीचे चली जाएगी कि वो सीधा डिलीट या जंक में ही जाएगी, अनटिल अनलेस कोई ऐसा बंदा हो जो आपकी सीवी को या तो आपका जो डिस्क्रिप्शन होती है जो जिसमें आप मेंशन करते हैं आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या किसी का अगर आपके पास रेफरेंस है तो उसको आप मेंशन कर दीजिए सब्जेक्ट लाइन में, ताकि इजीली अगले को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ये सुबह वाला फंडा जो है ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। 7 बजे अगर आप उठें, नाश्ता करके अपने आप को प्रिपेयर करें, 8 बजे तक आप अपने लैपटॉप पे या जिस पे कंप्यूटर पे या आपने फ़ोन यूज़ करना है उसके ऊपर बैठ के आप इजीली अप्लाई करना शुरू कर दें, और अप्लाई करते जाएं करते जाएं करते जाएं। देखें आप जितने ज़्यादा अप्लाई जितनी ज़्यादा वैकेंसीज पे अप्लाई करेंगे, और अपनी प्लीज़ रिलेटेड जॉब से अप्लाई कीजिए, हर जॉब पे अप्लाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, या तो फिर अगर आपको उस जॉब में जाना है तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको अलग से सीवी बनानी पड़ेगी, ऑफकोर्स वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, या तो फिर आपको एक एंटायर वीक 2-4 दिन इसी पे डेडिकेट करने पड़ेंगे कि मैं मार्केटिंग में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं अकाउंट्स में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं होटल इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं कस्टमर सर्विस में अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके लिए आपके पास उसकी हर सेक्टर की डिफरेंट सीवी होनी चाहिए। अब डिफरेंट सीवी देखिए, जो एक्सपीरियंस होता है उसको आपको ट्विस्ट करना पड़ता है,
मार्केटिंग, अगर आप गुड सेल्समैन हैं तो मार्केटिंग आप कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड भी सेल कर सकते हैं, आपको कस्टमर सर्विस की नॉलेज है, पाकिस्तान में आपने कस्टमर सर्विस पे काम किया हुआ है, आप कस्टमर सर्विस जॉब कर सकते हैं। मेरा मानना है कस्टमर सर्विस की जॉब करने वाला जिसको हैंडल करने आते हैं क्लाइंट्स, जिसको कस्टमर हैंडल करना चाहता है, वो कोई भी जॉब कर सकता है। और इसी तरह सिमिलरली सेल्स का बंदा भी कोई भी जॉब कर सकता है। हाँ, कंपेरेटिवली अगर आप कंपेयर करें कस्टमर सर्विस जॉब में आपको ज़्यादा पेशेंस चाहिए होती है। मैं कस्टमर सर्विस के डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। वैसे इसी तरह सेल्स वाले बंदे को भी बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। तो आपने इस तरह से एक सीरीज अपनी बना लेनी है और आपने हर सेक्टर में अप्लाई करना है जहाँ पे आपको लगता है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आजकल AI का ज़माना है, बहुत सारी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी CV पुल आउट करती है। एक छोटा सा ट्रिक अगर आपको मैं बताऊं, जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िए। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद क्या होगा, आप अपनी जो एक्सपीरियंस है उसमें कुछ जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में वर्डिंग्स हैं, मेन वर्डिंग्स उसको ऐड कीजिए। अगर आपने मार्केटिंग की हुई है पाकिस्तान में तो आप मार्केटिंग के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जो जॉब डिस्क्रिप्शन में चीज़ें हैं उससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस कीजिए। क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अगर वो रेंडमली मैच करती है सीरीज, जो अगर वो आपका एक्सपीरियंस उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता तो ऑफकोर्स आपको कॉल नहीं आएगी और आप बैठे रहेंगे कि जी मुझे कॉल नहीं आ रही है। एक छोटा सा ट्रिक है, हर वैकेंसी को देख के उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देख के अप्लाई करने से पहले आपको अपनी CV थोड़ी सी ऑल्टर करनी पड़ेगी। ऑल्टर करने के बाद अप्लाई करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। छोटी सी टिप है, इस पर ज़रूर काम करके देखिएगा। तीसरी बात आ जाती है, जब आपको जॉब नहीं मिल रही फॉर इनकेस, तो जितने भी आपके दोस्त हैं या जहाँ पे आप रह रहे हैं अगर वहाँ पे कुछ लोग हैं, आप उनके रेफरेंस के थ्रू लोगों को बोल सकते हैं, कंपनीज में CV फॉरवर्ड करवा सकते हैं अगर कोई आपके पास ऐसा काम कर रहा है। क्योंकि देखें, बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कंपनीज के पास टाइम नहीं होता कि वो एडवर्टाइज़ करें और फिर वेट करें वैकेंसीज का। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उनको फ्रेशली ग्रेजुएट चाहिए होते हैं या वो लोग चाहिए होते हैं जो कभी जॉब नहीं कर रहे हैं और UAE में मौजूद हैं विजिट वीज़ा पे, क्योंकि उसमें एक महीने का प्रोबेशन पीरियड, एक महीने का जो आपका नोटिस पीरियड होता है वो नोटिस पीरियड नहीं उनको देना पड़ता और उनको इंस्टेंट हायरिंग करनी होती है, तो वो प्रेफर करते हैं कि विजिट वीज़ा होल्डर अवेलेबल हो। तो उससे ये हो जाता है कि अगर आप किसी को रेफर करते हैं, किसी को बोलते हैं कि भाई कोई जॉब हो प्लीज़ मेरी CV रेफर करें, एटलीस्ट आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं। जब आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो फिर टोटली जो गेम होती है वो आपके हाथ में होती है। आप किस तरह से इंटरव्यू हैंडल करते हैं, आप किस तरह से उस बंदे को इंटरव्यूअर को टैकल करते हैं, और जाहिर सी बात है आपने अपने आपको सेल करना है, तो जितना अच्छा आप अपने आपको सेल करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो जॉब मिले। ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। जितने भी आपके रेफरेंसेज हैं, इवन पाकिस्तान में बैठे हुए आप लोग अपने सीरीज वहाँ पे UAE में भेजें, जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ दोस्त यार हैं उनको बोलते हैं कि रेफ़र कर दो, कोई कुछ आपको पता नहीं चलता कि कौन कहाँ पे किस वक्त काम आ जाए, ये अल्लाह के काम है, ठीक है। ये आपने एक ज़रूरी चीज़ कर लेनी है और डिसहार्ट नहीं होना। बहुत सारी दफ़ा मैंने ये खुद देखा है, मैंने एग्जांपल्स देखी हैं कि वो लोग जो बेचारे 2-3 महीने के वीज़े पे आए हुए हैं, जॉब नहीं मिल रही होती, लेकिन लास्ट फ्यू डेज़ में, क्योंकि उन्होंने इतना अप्लाई किया होता है, कुछ इंटरव्यू दिए होते हैं, लास्ट फ्यू डेज़ में उनको एप्लीकेशन का जवाब आ जाता है और उनको जॉब ऑफर हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जब भी आपको इंटरव्यू हो जाए और आपको इंटरव्यू बोले कि आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तो प्लीज़ उनको रिमाइंडर की ईमेल जरूर भेजिए, लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं पड़े, क्योंकि आपके ज़्यादा पीछे पड़ने की वजह से भी अक्सर आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। हाँ, रिमाइंडर ईमेल आप वीक या 10 डेज के बाद डाल सकते हैं कि आई एम स्टिल वेटिंग, मेरे पास जॉब नहीं है और मैं जो हूँ इस ऑफर को कंसिडर कर रहा हूँ, अगर आप काइंडली मुझे कंसिडर करते हैं तो। लेकिन डेली कॉल करना या डेली ईमेल्स करना वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं रहती आपकी। और इंटरव्यू में अगर आपको जो आपको फॉर एग्जांपल आपको इंशाल्लाह मिल जाती है जॉब, तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इम्पेशेंट होकर आपने इंटरव्यू नहीं देना, उससे अगले को पता चलता है कि इम्पेशेंट है और कोई भी ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, इवन दो कि आपकी जॉब से रिलेटेड ना भी हो। और ऑफकोर्स ये नॉर्मल सी चीज़ है, जब आप इतने पैसे खर्च के आए होते हैं तो जाहिर सी बात है जो भी जॉब आपको मिले उस वक्त आपको वो जॉब चाहिए होती है। लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि बेचैनी की हालत में, या उसको इंटरव्यू को ये मत शौकेंगे मैं बहुत इंपेशेंट हूँ और मैं कोई भी जॉब कर लूँगा, क्योंकि उससे आपको एक और नुकसान होगा, वो ये नुकसान होगा कि अगर फॉर एग्जांपल जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें इंटरव्यूअर का या कंपनी का बजट 5,000 दरम है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपकी इंपेशेंस और आपकी जल्दी करने की वजह से हो सकता है आपका पैकेज ड्रॉप हो जाए। हो सकता है वो कहे ठीक है जी, इसको जल्दी है, बंदा तो मुझे पसंद आ गया, लेकिन मैं तुम्हें 3-5 ऑफर करता हूँ। तो जब आप 3-5 पे ऑफर वो करेगा और आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि कुछ अर्से के बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये जो वैकेंसी थी इसके लिए तो 5,000 या 5,500 के पे लोग काम कर रहे हैं और इतने पे लोगों को हायर किया गया, तो फिर आपका दिल खराब होगा और उस वक्त जब आप निगोशिएट करने जाएंगे तो वो सही है तो सही नहीं होगा।
क्योंकि वो उससे पता चलेगा कि आपके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है वो रिक्रूटर है, वो तो हर चांस ग्रैब करेगा कि मैं रिक्रूट मैं कोई भी ऐसा हायर कर लूँ लेस से लेस सैलरी पे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि सैलरी एक्सेप्ट करने से पहले कुछ लोगों से डिस्कस कर लीजिए और कोशिश किए कि नेगोशिएट करें, मैक्सिमम नेगोशिएट करके उसको एटलीस्ट अगर आपके आपको पता चला कहीं से कि इसकी 5,000 वो देते हैं और अगर वो आपको नहीं दे रहे हैं किसी वजह से तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट 4-5 आपको ज़रूर मिले। क्योंकि जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे आप बहुत डिसहार्ट होंगे कि यार इस बाकी लोगों को तो ज़्यादा सैलरी मिल रही मुझे नहीं मिल रही, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन फिर आप नेगोशिएशन की सिचुएशन में नहीं रहते और ना आपको करनी चाहिए। फिर मैं यही आपको एडवाइस दूंगा, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो चुप करके काम कीजिए, काम अच्छा कीजिए, साल के बाद जब अप्रेजल हो तब आप इस पे थोड़ी बात कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यही पॉइंट्स याद आ रहे थे कि जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आगे अगली वीडियो में और पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा। प्लीज़ डू लेट मी नो आपको किस चीज़ के बारे में जानना है। एक और मैं वीडियो ऐसी भी बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक्सपेंसेस, अगर फॉर एग्जांपल आप फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, कार एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, लाइसेंस एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, अपार्टमेंट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, फिर और अपनी फैमिली अगर आप खुद अपना वीज़ा अफोर्ड कर रहे हैं तो उसके एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, ये सारी डिटेल वीडियो में बताऊंगा। अभी ऑलरेडी एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा हूं मैं। तो उम्मीद करता हूं इस इंफॉर्मेशन से आपको बेनिफिट होगा और इस इंफॉर्मेशन से आप दूसरे लोगों को भी बेनिफिट करेंगे। और भी अच्छी टिप्स के साथ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होऊंगा, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कुछ और जानना है तो मैं आके अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस में आपको सब क्लियर करूँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।